अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड। इसका कोड है D6 और इसको हमने कस्टमाइज स्टिच किया है लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज के बीच। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा, ये साइज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसका मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के बीच है और लेंथ जो है इसकी हमने मैक्स रखनी थी 45 से 47 इंचेस। तो इसलिए इसको जो है इसके दामन, ये दो तरीके का स्टिच हुआ था। इसके दामन के एज पर जो है दो कलर के स्कैल्प्स बने हुए थे, एक ये ग्रीन कलर और एक ये, लेकिन मैंने जो है वो एक कलर के बनवाए। उसके बाद इसके ऊपर क्रिस्टल लगे हुए थे पिंक कलर के, लेकिन इसके अंदर वाइट पर्ल भी बहुत सारा है, तो इसलिए मैंने इसके जो है वो वाइट ऑफ वाइट यानी कि ड्रॉप्स लगा दिए। यहाँ पर सिल्वर लेस लगी हुई थी, लेकिन सिल्वर कोई बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसकी डल गोल्ड लगा दी, बिकॉज इसके अंदर जो है वो सिल्वर एंड गोल्डन दोनों काम है। उसके बाद जो है इसकी ये सेंटर लेस लगाई है ऑलमोस्ट बेस्ट के कलर की कलियों में, और उसके बाद उसके बॉर्डर के आसपास गला भी जो है ऐसा कटवर्क हुआ है। आई जस्ट होप के पूरा ओवरऑल लुक दिख रहा हो अच्छा। ये हमने जो है वो स्ट्रेट शर्ट बनाई है, ये फ्रंट देख लें तो फिर मैं इसका जो है वो बैक टर्न करती हूँ। अच्छा, गला इसका जो है वो कटवर्क हुआ है और गले के अंदर हमने लगाए हैं पर्ल्स, और उसके बाद स्लीव्स के अंदर भी जो है वो लाइनिंग लगाई है। स्लीव्स का बॉर्डर सेंटर लेस के साथ जोड़ा है जो कि पिंक कलर की मिल गई। स्लीव्स के एज पर भी ऑर्गेन्जा के स्कैलप्स बने हैं और उसके ऊपर यहाँ पे गोल्ड लेस लगाई, देन इसके ऊपर जो है वो ड्रॉप्स लगाए हैं। सारा इसका हैंडवर्क है और लाइनिंग का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट बहुत अच्छी है और कलर जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, इसको जो है हमने गाउन स्टाइल नहीं बनाना था, तो इसको हमने स्ट्रेट शर्ट बनानी थी। दामन इसका 26 इंचेस रखा है, इसलिए इसका जो फ्रंट की पैनल है उन्हें बैक पर यूज़ कर दिए। अच्छा, बैक जो है इसका क्योंकि बिल्कुल प्लेन ऑर्गेन्जा था, तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको ये गाउन स्टाइल चाहिए नहीं था, तो ये जो है पूरे हैंड एम्बेलिश्ड पैनल्स इनको हमने बैक पे लगा दिया, और सेंटर पैनल जो है वो प्लेन है। इसको भी सारा सेंटर लेस के साथ जोड़ा है, बॉर्डर के ऊपर भी सेंटर लेस है, और इसके जो है सारा हैंड वर्क बैक के पैनल्स पर आ गया पूरा ऊपर तक, तो ये प्लेन भी कम लग रहा है और वेट भी इसका जो है ऊपर नीचे आ गया। बल्कि इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, अब बैठेंगे तो ये बैक का काम ख़राब होगा, लेकिन वैसे जो है ज़बरदस्त हो गया कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही जो है वो हैवी हो गया। अच्छा, ये हो गई इसकी शर्ट। उसके बाद इसका जो ग्रीन बॉर्डर है, उन ग्रीन के अंदर ग्रीन ही हमने पलटा भी लगाया है, पलटा लगा के अप्लाई किया। अच्छा, दुपट्टा जो है ये एक मारिया बी की वेबसाइट पर ही मैंने देखा इस तरह का पहना हुआ था, लेकिन ये हम उससे पहले डिसाइड कर चुके थे, मैं और मेरी क्लाइंट दोनों मिलकर हमने इसके अंदर पूरा पलटा लगाया। और अच्छा, एक और चीज़ हमने ये करी कि इन्होंने जो है वो रॉ सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ था और हमने कॉटन सिल्क लगाई लाइनिंग, बिकॉज रॉ सिल्क जो है वो लाइनिंग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत स्टिफ सा होता है, लेकिन पलटे में हमने वो यूज़ किया है और इसको हमने चार्ज नहीं किया क्लाइंट से, बिकॉज उनका जो फैब्रिक दिया हुआ था वो हमने फिर वो पैंट के लिए अच्छा सूटेबल है, तो पलटा वही वाला लगाकर सारा ये कटवर्क किया है ऑल साइड पर। और इन्होंने जो है वो कटवर्क के बाद एक और कुछ प्लेन ऑर्गेन्जा लगा के फिर उसके आगे लेस लगाई हुई थी, लेकिन ऑनेस्टली वो मुझे भी नहीं अच्छी लग रही थी और मेरी क्लाइंट का भी यही वो था। ये दुपट्टा जो है वो दोनों साइड पर अप्लाई हुआ है, और उसके बाद हमने फिर उनको पर्ल्स भी जो है वो बहुत करीब नहीं चाहिए थे, तो हमने थोड़े से दूर लाइक 1.5 इंच के फासले पर या कहीं 2 इंच के फासले पर इस तरीके से इसके ऊपर पर्ल्स लगाए हैं। और दुपट्टा वैसे ही बड़ा अच्छा है, प्रिंट है इसका और बॉर्डर इसका काफ़ी बड़ा सा है और दोनों साइड पर जो है वो एप्लीक हुआ है। अच्छा, उसके बाद इनको ढाका पजामा भी नहीं चाहिए था, तो स्ट्रेट पैंट बनाई है और उसके लिए जो है ये रॉ सिल्क जो इन्होंने फैब्रिक दिया था, थोड़ा सा आई डोंट नो इसको क्या लगाते हैं कि इनका थोड़ा सा जो है वो स्टिफ होता है, ये रखे बहुत सारे इसकी आयरन का हाल ये हो रहा है, और स्ट्रेट पैंट बनाई हमने, उसके ऊपर गोटे की लाइन्स भी नहीं चाहिए थी। तो ये जो है मुझे अनबॉक्सिंग में भी ये बहुत अच्छा लगा था और स्टिच होके भी बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी जो है इसके आई थिंक कुछ जो है वो लेट स्टिच होने हैं इंशाल्लाह, और बाकी आप सबको कैसे लगा कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।